केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाई गई टीओडी योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है और खास करके वो छात्र ज्यादा विरोध कर रहे हैं जो 2020 में आर्मी ज्वाइनिंग प्रक्रिया में शामिल हुए। अब ये बताया जा रहा है कि उनकी बहाली भी इस नई प्रक्रिया के साथ ही होगी। दो छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, हजारीबाग और चतरा जिले के रहने वाले हैं। इन दोनों छात्रों से बात करके ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग रांची क्यों पहुंचे, क्या विरोध है और आखिर ये क्या चाहते हैं, क्या पुरानी प्रक्रिया को लागू किया जाए या नई प्रक्रिया में को ऐड कर दिया जाए उसमें। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सबसे पहले राहुल कुमार यादव है, हम चतरा से चतरा जिला के रहने वाले हैं और माननीय मोदी जी से हम कहना चाहते यही यह है कि कृपा जो हम लोग को 2020 में रिटर्न जो दौड़ किए हैं उसको कृपया रद्द ना करें और हम लोग को एग्जाम करवा दे और ये जो टीओडी नया स्कीम जो आप लागू किए इसको एग्जाम लेने के बाद आप लागू करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सहमत है कि हम मानते हैं कि आप सेना के प्रति बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठता है कि और भी चीज़ पे पैसा खर्चा होता है सरकारी। बिल्कुल पे राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उस पर भी तो काट सकते हैं आप। प्रधानमंत्री का वेतन 2.5 से 3 लाख रुपया शायद उसको भी काट सकते हैं आप। और बहुत ऐसा सरकारी व्यवस्था जो 50-60-70 हज़ार रुपये सैलरी मिलता वो सबसे भी काट सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि फौज का ही वेतन से आपको देश चल जाएगा, इसी से आप ज़्यादा इनकम जो खर्चा होता है फौज पड़ते हैं। और छात्र हमारे साथ मौजूद है, अपना नाम बता दीजिए और कहाँ का रहने चतरा का रहने वाले हैं। ये बताइए कि चतरा से चलकर आप रांची पहुँचे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं? हम लोग विरोध है टीओडी का विरोध में पहुँचे हैं और आर्मी का जो हम लोग का एग्जाम जो रुका हुआ था उसका लेने का प्रक्रिया जारी करने के लिए हम इसके विरोध में पहुँचे हैं ताकि हम लोग का एग्जाम हो जाए। भारत सरकार के अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम को जारी किया जाए। और अभी केंद्र सरकार कह रही है कि आपको जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपको रिटायरमेंट के बाद यानी 4 साल के बाद 12 लाख रुपए के करीब पैसे मिलेंगे, आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राज्य सरकार, बहुत सारे राज्य सरकार भी आपको प्राथमिकता देने के लिए आगे आ रही है, फिर भी विरोध क्यों? विरोध इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि इस 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और हम लोग जो 17 साल तक हम लोग जो जॉब करते थे उसमें जो भी नौजुवक है जो सेटलमेंट हो जाता तो उस जो उसका पेमेंट के थ्रू से अपना कुछ अलग धंधा करता था, 10-20 लाख में हम लोग के क्या होगा, फिर तो बेरोजगार हो जाएंगे हम लोग। भारत सरकार से अनुसार कहते हैं कि टीओडी को वापस लिया जाए और हम लोग को जल्द से जल्द एग्जाम लिया जाए। कितने वर्षों से आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी से? लगातार प्रिपरेशन करते ओनली फॉर आर्मी के लिए जी। तो अभी क्या एज बचा हुआ आर्मी में जाने की? नहीं, एज नहीं बचा हुआ। तो अगर आप ये टीओडी में आप शामिल नहीं होंगे तो फिर अगर आपका एज भी निकल गया तो फिर आगे तो विकल्प नहीं बचेगा? कोई हम लोग को उपाय नहीं, एज निकलने के बाद हम लोग को उपाय नहीं। तो अभी आप टीओडी में शामिल होंगे? नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, खुद से नहीं शामिल होना चाहते या कि आप चाहते हैं कि नहीं इसका विरोध किया जाना चाहिए? विरोध करते हैं हम लोग जो टीओडी। बिहार समेत अन्य राज्यों में जिस तरह से उग्र आंदोलन हो रहा है वो क्या उसका समर्थन करते हैं आप लोग? नहीं, जो विरोध हो रहा है उन लोग को हम समर्थन करते हैं। टीओडी के जो विरोध वहाँ कर रहे हैं उन लोग के भी समर्थन साथ में हम लोग साथ हैं उन लोग के साथ। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान नहीं होना चाहिए। झारखंड में जब तक ऐसा मामला नहीं, ऐसा हम करना भी नहीं चाहते कि सरकारी संपत्ति उसको हम नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, बस हम लोग को एग्जाम करवा दे बस। घर परिवार में अगर जानकारी जो मिली, घर परिवार के लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं? घर परिवार तो मेरा माँ फूट फूट के रोने लगी, हमसे ज़्यादा रोने लगी, चूँकि एक आस था कि हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली से थे। आज तक मेरा फैमिली में कोई जॉब नहीं करता। अच्छा, बड़े हैं घर के? जी, घर के बड़े हैं। बड़े, आपने सपना देखा कि आर्मी में जाना? आर्मी में 4 साल कंटिन्यू 19, 20, 21 मतलब कंटिन्यू हम 19 से दौड़ करते थे, वो भी सिंगल दौड़ते थे अपना ग्राउंड में अकेले। मेरा माँ भी बोलती थी कि अकेले कहाँ जाते बेटा, लेकिन हम अकेले दौड़ते थे सब दिन। उसके बाद दौड़ निकाले, मेरे से ज़्यादा मेरा माँ नाराज है इस टीओडी। वो तो बोल रहे कि सरकार ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये बताइए तो आप भावनात्मक ढंग से बोल सकते हैं, मगर आपको कुछ समझाएं घर परिवार को क्या होना चाहिए? बस बोले कि हम दूसरा चीज़ कर लेंगे, हम अंदर से आत्मा नहीं है कि कैसे बोले, लेकिन हिम्मत दिला देते हैं कि हम कुछ कर लेंगे। कैंसिल भी हो जाएगा तो हम फिर ट्रैक करेंगे, देखेंगे, करेंगे। परिवार वाले बोल रहे हैं टीओडी में शामिल होइए क्योंकि जो भी आपको मौका मिल जाए। मेरा माँ को ये सब चीज़ पता नहीं, अनपढ़ है। टीओडी जान रही है कि जो सेवा हुआ उसमें चेंजेस आ गया। हाँ, बस वो पता है कि कैंसल हो गया,
बस ये चीज नहीं पता है कि टीओडी क्या होता है या फिर अग्निपथ क्या होता है, ये चीज पता नहीं है। आप क्या सोचे, आप शामिल होंगे इस प्रक्रिया में? एज ही नहीं बचा है, खत्म हो। दो साल का छूट मिल रहा है ना इसमें, 23 तक करना है। 23 तक अगर छूट मिलेगा तो शामिल हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। नहीं कोई उपाय ही नहीं। तो आगे क्या माना जाए, सरकार विरोध प्रदर्शन रांची झारखंड में मिलेगा? देखिए अगर छूट देती तो हम शामिल होंगे और वरना नहीं होंगे। तो दूसरा कोई विकल्प है, दूसरा एग्जामिनेशन जैसे मान लिए कि आप जेपीएससी कर सकते हैं, जेएसएससी कर सकते हैं? उतना बड़ा फैमिली से नहीं कि हम जेपीएससी तैयारी कर सकते हैं या फिर दूसरा कर सकते हैं, उतना हमको घर से सपोर्ट नहीं है, घर से पैसा वगैरह नहीं मिलता। हम खुद अपने अभी भी जो तैयारी करते थे ना, अपना दम से करते थे, अपने खुद कमाते थे, उसके बाद करते थे। अकी नहीं तो हम चतरा में पढ़ते हैं, वहीं पे सर से भी या जो भी किसी से भी मेरा गांव से या कहीं से भी पूछ सकते हैं कि हम खुद से काम करके खुद से पढ़ते हैं और खुद अपना चना भी लाना रहता था, हम खुद के पैसा से लाते थे। क्योंकि मेरा जो पापा है ना वो ड्रिंकिंग वगैरह करते तो घर का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, इसीलिए हम खुद से करते थे। मेरा गाँव वाले भी बोलते कि थोड़ा। अच्छा ये बताइए, अगर इस योजना को छोड़ दे तो आमतौर पर अगर ये सोचे चाहे झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या नौजवानों के प्रति, रोजगार के प्रति, युवाओं के प्रति संवेदनशील नजर आती है? नो सर, ये तो रोजगार को नौजवान को आड़ तोड़ने के लिए सिखा दिया। अगर हम मानते हैं अगर 21 साल में वो रिटायरमेंट कर देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? और वो भी पूरा एकदम यंग लड़का है, वो जाएगा कहाँ? और बंदूक चलाना सीख जाएगा, सब एरिया मालूम हो जाएगा उसको कि कैसे क्या करना है, उसके बाद करेगा क्या? ओके, रोजगार तो कर सकते हैं ना, 12 लाख अगर उसको मिलते हैं तो कुछ लाख आज के डेट में 12 लाख क्या है? शादी करेंगे 15 से 20 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, 10 से 12 लाख रुपए तो ऑटोमेटिक खर्चा हो जाएगा शादी। ये भी तो सोचिए अगर 25% जो रिजर्व रखा जा रहा है यानी 25% जो कंटिन्यू हो सकता है उसमें आपका नाम शामिल हो। हाँ वो तो प्रयास तो पूरा 110% रहेगा कि 25% में शामिल हो जाए, लेकिन उसमें भी चमचा लग जाएंगे, जिसको लंबा हाथ होगा वहाँ पे वो सेटिंग करके चले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 110% है कि 25% वही बंदा जाएंगे जिसका पहुँच होगा, जो मतलब जिसका हाथ लंबा होगा वही जा सकते हो, बाकी बात कोई नहीं जाएगा। सेना पर बड़ा विश्वास है लोगों का, सेना पे बहुत विश्वास था पर विश्वासघात कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मिडिल फैमिली के लोग, जो गरीब घर के बच्चा है ना उससे कभी पूछ के देखिए, और जो सुबह 4 बजे रोज दौड़ने के लिए जाता है, हमसे छोटा भाई है, हमसे बड़ा लगता है अभी देखने में, हट्टा कट्टा हो गया लेकिन हम मेरा दौड़ते दौड़ते शरीर पूरा घट गया, सब देखता बोलता भी है कि तेरा शरीर कैसे इस तरह हो गया, सब बोलता है। लेकिन मेरा भाई जो है अभी छोटा, वो हमसे बड़ा लगता है दिखने में, वो दौड़ता भी नहीं है इसलिए हमसे बड़ा लगता है दिखने में। चलिए मान लेते हैं आप टीओडी में शामिल नहीं होते हैं, आपका एज भी निकल गया है, आगे कुछ सोचा है, आगे करना क्या है, क्या होगा ज़िंदगी का? अब देखते हैं आगे क्या, कहीं जाएंगे जॉब, प्राइवेट जॉब करेंगे और घर परिवार तो चलाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं चलाएंगे सब, कहीं प्राइवेट जॉब काम करेंगे या गाड़ी वगैरह। फिर रांची में किस उम्मीद और भरोसे के साथ यहाँ पहुँचे थे तमाम जो लड़के आए थे? इस भरोसा के तहत हम लोग पहुँचे थे कि कम से कम सरकार के बात पहुँचाई जाए और टीओडी वापस कर ले सरकार और हम लोग को एग्ज़ाम करवा दें। सरकार पर भरोसा, एतमाद, यकीन है ना आपको? यकीन तो है कि सरकार युवाओं की बात सुनेगी, युवाओं की बात सुनेगी, क्योंकि हम लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, नहीं पहुँचाना चाहते हैं, और वैसा हम लोग किए भी नहीं हैं कि सरकारी जो बिहार में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, ट्रेन जला रहा, फटना ढकना, झारखंड में ऐसा नहीं है। बस हम लोग के शांतिपूर्वक एग्जाम करवा दिया है और सरकार से हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाए और कंटिन्यू आपकी बहाली हो जाए? जी 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 जी। और बाकी जो टीओडी होना है वो नए सिरे से? हाँ, नए सिरे से करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने को इससे डिस्टर्ब मत कीजिए, पुराने को डिस्टर्ब नहीं, पुराने जो है उसको करवा दीजिए। अब तो आपने सुना किस तरह से जो राम चतरा के और हजारीबाग के छात्रों से बात हुई, तमाम लोग ये कह रहे हैं जो पुरानी प्रक्रिया के साथ एग्जामिनेशन हो रहे थे उसे कंटिन्यू कराकर 2020 की जो प्रक्रिया में शामिल हुए छात्र हैं उनको उनका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। अब नए सिरे से अगर आप टीओडी लेना चाहते हैं तो उसमें शामिल होंगे या नए छात्र शामिल होना चाहते हैं या नहीं होता है ये उन पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन पुराने छात्रों को इसमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि घर परिवार के लोग जब से ये सुने हैं तब से वो परेशान हैं, लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम छात्रों के हितों का ख्याल रखते हुए केंद्र सरकार अपनी योजना को अमली जामा पहनाएं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 स्कोप के लिए शाहनवाज।